नाजरीन आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू कीमा। उसके लिए हमने कीमा ले लिया बीफ का 1 किलो, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया, 1 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए इन्हें हमने बारीक काट लिया, 2 अदद प्याज ले लिए इन्हें भी हमने बारीक चॉप कर लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला। एक पान इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी के साथ ही अपना कीमा ऐड कर दें, हमने कटे हुए प्याज ऐड कर दें, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दें, ये अपनी सारी स्पाइसेस ऐड कर दें। इन्हें हमने 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रखना है, हमारा कीमा और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं उसके बाद हम आपको दें। और ये देखें 10 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए, अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, ये 6 जोए हमने लहसुन के ले लिए, इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 10 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे, 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, हमारे प्याज और टमाटर भी गल गए हैं, कीमा भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए आलू, ये ऐड कर दें, इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1/3 कप ऑयल ऐड कर लें और इसे अच्छी तरह से भून लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। ये देखिए 15 मिनट हो गया हमें कीमे को भूनते हुए, कितनी अच्छी तरह से हमारा कीमा भून गया। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे, ये डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें, 5 से 7 मिनट मजीद हम इसे भूनेंगे। सात मिनट बाद आपको दिखाते हैं। देखिए 7 मिनट हो गए हैं, हमारा आलू कीमा कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, ये ऐड कर दें, इसे कर लें अच्छी तरह से मिक्स और इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आपको दिखाते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए, हमारा देगी आलू कीमा हो गया तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए, ये ऐड कर दें, इसके साथ ही हम अदरक के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दें, और ये देखें नाज़रीन हमने अपना देगी आलू कीमा कर लिया तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।